हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे दैट इज एंडोसल्फान। एंडोसल्फान क्यों न्यूज़ में था, एंडोसल्फान है ही क्या, उसके बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे। उससे जाने से पहले आप देख सकते हैं हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स। सवा दस आपसे 10 MCQs डिस्कस किए जाते हैं, सवा दो आपसे मेंस करंट अफेयर्स डिस्कस किया जाता है, डेली करंट अफेयर्स आपसे 6.25 डिस्कस किए जाते हैं, और जेओए आईटी एग्जाम और एसआई एग्जाम के जो पास या पेपर्स हैं उनसे आपसे डिस्कस किया जाता है 8:00 PM। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंडोसल्फान न्यूज में क्यों था। अब देखिए इसकी कुछ थोड़ी सी स्टोरी समझ लीजिए। ये जो एंडोसल्फान है वो एक पेस्टिसाइड है। अब ये जो पेस्टिसाइड है इट इज हजार्डस टू हेल्थ। ये एंडोसल्फान जनरली mid-70s से लेकर 90s तक काफी ज्यादा यूज होता था। अब इसकी वजह से देखने को मिला कि ये एक बायो एक्यूमुलेंट की तरह काम करता है। बायो एक्यूमुलेंट का मतलब होता है कोई भी पल्यूटेंट जब एक ऑर्गेनिज्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं, उसको कहा जाता है बायो एक्यूमुलेंट। अब केरला गवर्नमेंट में, जब केरला में एक जगह है कसरगोड, वहां पर एंडोसल्फान का एरियल स्प्रे किया गया था। अब जब एरियल स्प्रे किया गया था पेस्टिसाइड यूजेज के लिए, तो वहां पर देखने को मिला कि बहुत से लोग इससे ग्रसित हुए, बहुत से मल्टीपल डिसऑर्डर्स देखने को मिले, बहुत से उनको कैंसर देखने को मिला, उनको न्यूरो डिजीजेस देखने को मिली, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि जो एंडोसल्फान है उसको बैन किया जाए, कंप्लीटली बैन किया जाए, राइट। सो यहां पर न्यूज में क्यों था, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि जो भी विक्टिम्स हैं इसके, केरला गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दी थी कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पनसेशन दी जाए 5 लाख। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो केरला गवर्नमेंट है उसने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए हैं और यहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ब्रीच किया। सो इसीलिए ये न्यूज में था। केरला गवर्नमेंट को स्लैम किया गया है, फटकार लगाई गई है बाय द एपेक्स कोर्ट, और कहा गया है कि आपने इन पेस्टिसाइड एक्सपोजर विक्टिम्स के लिए यू हैव डन नथिंग, राइट। सो यहां पर बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 जजमेंट में कि जितने भी विक्टिम्स हैं उनको 5 लाख कॉम्पनसेशन दी जाए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो केरला गवर्नमेंट है उसने सिर्फ 8 लोगों, 8 विक्टिम्स को ही कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करी है, जबकि विक्टिम्स कितने हैं, 3,704। सो यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 3,700 विक्टिम्स हैं, जिसमें से कॉम्पनसेशन कितनों को मिली है, सिर्फ 8 को, ठीक है। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केरला गवर्नमेंट की, राइट। सो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है मैन्युफैक्चर, सेल, यूज एंड एक्सपोर्ट ऑफ एंडोसल्फान थ्रू आउट दी कंट्री। कहीं भी इसका मैन्युफैक्चर नहीं होगा, सेल नहीं होगी, यूजेज नहीं होगी। और क्यों, क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, और ये गाइडलाइंस कब करी गई थी, दैट इज इन 2015, और 2017 से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं टू फेज इट आउट, राइट। सो ये कंप्लीट बैन है, यहां पर ना ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं। अब एंडोसल्फान है क्या, वो आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुकी हूं, इट वर्क्स एज अ पेस्टिसाइड। अब ये जो पेस्टिसाइड है इसके बहुत से हजार्डस इफेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंसरी लॉस भी हो सकता है, ऐसे ही न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या है, जो भी आपका नर्वस सिस्टम है उससे डैमेज हो सकता है। ऐसे ही एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, देखिए एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या है, जो भी आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे और आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ऐसे ही इट इज अ बायो एक्यूमुलेंट। देखिए बायो एक्यूमुलेंट का मतलब क्या होता है, ये अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये पल्यूटेंट अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो ये डिग्रेड नहीं होगा और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये क्या होता रहेगा, एडअप होता रहेगा, तो इसको कहा जाता है बायो एक्यूमुलेंट। सो इसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी है
एक ऑर्गेनिज्म में बढ़ती ही रहती है। अब क्योंकि ये पेस्टिसाइड है, इसका मतलब क्या है, पानी के साथ घुल जाएगा। अगर हमने इसको फील्ड में स्प्रे कर दिया तो एट द एंड पानी जाके कहाँ मिलेगा, रिवर्स एंड लेक्स में, और वहां का जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो उसको भी डैमेज कर देगा। इसका मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये एंटर कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, फूड चेन में एंटर कर चुका है। सो यहां पर आपको बायो मैग्निफिकेशन भी देखने को मिलेगी। आई होप क्लैरिटी है। बायो मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जहां पर हम जो पल्यूटेंट है वो हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है। ठीक है जी। सो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। कसरगोड डिजास्टर हुआ था मिड 70s में, केरला गवर्नमेंट ने एरियल स्प्रे कर दिया था जिसकी वजह से जो लोकल्स हैं देवर एक्सपोज टू इलनेस, पैरालिसिस एंड डिफॉर्मिटीज, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि यू हैव टू बैन इट। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो यहां पर भी आप देख सकते हैं इट इज ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बनता है कि इसको जनरली हम स्प्रे कहां करते थे। इट इज यूज्ड इन कैश्यूनट, कोकोनट एंड रबर प्लांटेशंस। अब केरला में आपको ये बहुत देखने को मिलती है, रबर प्लांटेशंस हो गई चाहे कोकोनट प्लांटेशंस हो गई। वहां पर फील्ड्स में क्या यूज किया गया था, एंडोसल्फान, और इसके हजार्डस इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। सो हजार्डस इफेक्ट्स में एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन भी हो सकती है, और आपको यहां पर न्यूरोटॉक्सिक एजेंट देखने को मिलता है जो एक्चुअली में हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है जी। सो यहां पर इंडिया हैज अग्रीड टू फेज आउट द यूज ऑफ एंडोसल्फान बाय 2017। फेज आउट कर देना है हमने कब तक, 2017 तक। ठीक है जी। सो 2011 ने सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था इसका कंप्लीट, दैट इज बैन। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोसल्फान। अब नेक्स्ट आपको बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। जो बायो अक्यूमुलेशन है वो क्या है, दैट इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड जब ये फूड चेन में एंटर कर जाता है तो इसको कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। अब ये जो एंडोसल्फान है ये एक्चुअली में लिस्ट किया गया है रोटरडाम कन्वेंशन में भी और स्टॉकहोम कन्वेंशन में भी। अब दोनों ही कन्वेंशंस को हम एक्सप्लिसिटली रीड कर लेते हैं। जो रोटरडाम कन्वेंशन है वो 1998 में आई थी, और यहाँ पर इसका एम क्या था, इट इज टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग मेजर्स अमंगस्ट डिफरेंट कंट्रीज डीलिंग विद ट्रेड इन हजार्डस केमिकल्स। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम ए कंट्री लेते हैं बी कंट्री लेते हैं, सपोज मान लीजिए जो ए कंट्री है वो एंडोसल्फान को एक्सपोर्ट करना चाहती है टू बी कंट्री। अब एंडोसल्फान बीइंग अ हजार्डस पेस्टिसाइड, हजार्डस केमिकल, तो बी कंट्री को प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वहां से अगर कंसेंट मिलेगा तभी ये एक्सपोर्ट हो पाएगा। अब क्योंकि ये हजार्डस केमिकल्स है इसीलिए दोनों कंट्रीज में जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर होनी चाहिए। तो यहां पर आपको जो याद रखना है वो याद रखना है पीआईसी, प्रायर इंफॉर्म्ड कंसेंट। सो ये एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें हर मेंबर को लीगली बाउंड है वो बताने के कि कौन सा हजार्डस केमिकल एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट किया जा रहा है। सो यू नीड टू हैव प्रायर इंफॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रोटरडाम कन्वेंशन। अब नेक्स्ट आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। देखिए जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है 2001 में किया गया था, ये था किसके लिए, इट वॉज फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स। अब इस चीज को समझिए, पीओपी, परसिस्टेंट का मतलब क्या है, जो हमारे एनवायरमेंट में बहुत देर के लिए रहते हैं, डिग्रेड नहीं होते और एक ऑर्गेनिज्म में ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ऑर्गेनिक पल्यूटेंट। अब क्योंकि ये हजार्डस है, पल्यूटेंट की तरह काम कर रहा है, सो इसीलिए इसको पीओपी कहा गया है। जब 2001 में ये कन्वेंशन बनी थी तो उस टाइम कुछ 12 ऐसी सब्सटेंसेस थे जिनको पीओपी के तहत बैन किया गया था वर्ल्ड वाइड। उस टाइम 12 थे, लेकिन अब ये काफी नंबर बढ़ चुका है, बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो इसमें ऐड कर दिए गए हैं। और यहां पर जब ये साइन हुई थी 2001 में,
तो उस टाइम जो 12 पीओपीज लिस्ट बनाई गई थी उनको कहा गया था दी डर्टी डजन। अब देखिए प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डर्टी डजन क्या है, कौन सी कन्वेंशन से डील करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है दैट इज इसके इंपैक्ट्स क्या है, इसके बारे हम वैसे भी पढ़ चुके हैं। अगर हम एनवायरमेंट में बात करते हैं तो ये एक बायो एक्यूमुलेंट की तरह काम करता है और ये बायो मैग्निफाई भी होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हम ह्यूमंस और एनिमल्स की बात करते हैं तो फिजिकल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं, कैंसर देखने को मिलता है, बर्थ डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे ही इट डैमेजेस द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एंडोसल्फान। आप हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं एंड दिस वॉज ऑल अबाउट एंडोसल्फान। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।